यार शिक्षण संस्थान हिसार के अंदर सांसद के बतौर सोलर पैनल्स का जो मैंने ग्रांट दी थी आज वो कंप्लीट हुआ है। और अभी मैं पिछले साल के बिल से इस साल के बिल को कंपेयर कर रहा था कि सोलर पैनल की वजह से शिक्षण संस्थान को 35,000 रुपये इस महीने में बचत है। मैं मानता हूँ कि ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी जो कहीं ना कहीं पोल्यूशन भी कम करती है और वहीं एक स्ट्रक्चर को अपने आप सिर्फ बिजली बनाने का ही नहीं सरकार तक बिजली बेचने का प्रावधान करती है, सारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को अडॉप्ट करना चाहिए। आने वाले समय में जो भी केंद्र सरकार की सब्सिडी है, प्रयास करें कि तमाम महकमे भी अपने ऑफिस को सोलर किशन जी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की अगर बात करी जाए, कुछ घोषणाओं पर सहमतियाँ बनी हैं जिनमें से स्टूडेंट्स को फ्री यात्रा का भी है, एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, और 33 बिंदु थे उन पर गंभीरता से चर्चा हुई, सहमति बनी, उसकी चर्चा आगे कैबिनेट में हम रखेंगे और उनको प्रदेश में इम्प्लीमेंट करेंगे। बची हुई घोषणाओं पर फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्योंकि बजट अभी केंद्र का आया नहीं है, वो अपनी वर्किंग कर रहा है। हम उम्मीद रखते हैं कि हम अगले 6 महीने के अंदर 50 से ऊपर दोनों पार्टियों की घोषणाओं को प्रदेश में पूरी तौर पर अगले महीने बजट पेश होने जा रहा है। सर हरियाणा को लेकर कुछ ऑप्शन अगर सरकार ने बजट पेश करना है, पहले भी हरियाणा को यूनिवर्सिटी हो, एम्स हो, हर तरीके से केंद्र सरकार का साथ मिला है और मैं उम्मीद करता हूँ इस अलायंस गवर्नमेंट को केंद्र सरकार और मजबूती दे। प्रदेश के अंदर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, ये हमारा प्राथमिक प्रयास है। आपने अपने सांसद निधि कोटे से जीजू यूनिवर्सिटी को 6 रिक्शा दी थी सर, उनके हालात बुरे हैं, मतलब वो दोबारा चल नहीं पाई 3 महीने के बाद। वो तो अब मेरे को पता चला कि जीजू ड्राइवर की भर्ती नहीं कर पाई, तो मेरी तो 2 बार स्वयं वाइस चांसलर से बात हुई कि आप वहाँ बच्चों को टेम्परेरी जॉब, गरीब घर का हॉस्टल में रहता है, अगर उसको वहाँ काम करने का मौका मिलेगा तो क्यों नहीं उसका एक रोज़गार का साधन बनेगा। मगर कहीं ना कहीं लैक ऑफ विल थी। आगे भी मैं तो कर रहा हूँ प्रयास कि उनको दुरुस्त किया जाए, जैसे ई बस चलाई थी उस तरीके से उनको भी दोबारा उनको फिक्स करके दोबारा चलाया जाए। राम कुमार गौतम को नोटिस दिया गया है सर, उनकी पार्टी के संगठन का मैटर है, मुझे नहीं लगता आप लोगों को इसके अंदर भी ज़्यादा।